हाँ कक्षा 12 हिंदी पद्य खंड पवन दूतिका अयोध्या सिंह उपाध्याय का छंद नंबर 19। देखिए, राधा रानी पवन दूतिका से कहती हैं, जो प्यारे मंजू कुमन या वाटिका में खड़े हूं, क्षेत्रों में जा प्रणित करना भीम या कीचकों को, यो होवेगी श्रुति उनको सर्व गोपांगना की, जो है बंसी समुद्र से शीघ्र उत्कंठ। जो प्यारे श्री कृष्ण, राधा कहती है जो प्यारे श्री कृष्ण किसी मंजूपन में सुंदर बगीचे में या वाटिका या फुलवारी में खड़े, यदि प्यारे श्री कृष्ण किसी सुंदर बगीचे में या किसी फुलवारी में खड़े हो तो वहां चले जाना, छिद्रों में जाकर करना भेड़ से कीचकों, वहां देखना कि उस बगीचे में कोई कीचक, कीचक माने बांस, और बांस के कोट में कोई ना कोई बांस जो है वो ऊपर की उसका भाग टूटा होता है और उसमें छिद्र होता है, और वो हवा चलती है तो उसमें जब हवा प्रवेश करती तो बंसी की तरह बजता है। तो राधा बड़ी चतुर है, वो कहती है कि ये पवन दूती, जब तुम जाना उस बगीचे में देखना, अगर बांस कोई बांस का पेड़ मिले तो उसके छिद्रों में तू इस तरह से प्रवेश करना कि वो उत्कर्णित हो जाए और बेरुसा बंसी की तरह बजने लगे, यो होवेगी श्रुति उनको सर्व गोपांगना। इस प्रकार जब बंसी की आवाज सुनाई देगी तो कृष्ण को यह भान हो जाएगा कि मैं जब बंसी बजाता था तो गोपिकाएं मेरे इर्द गिर्द घूमती थी, यो होवेगी श्रुति उनको सर्व गोपांगना। इस प्रकार उनको सभी गोपियों का स्मरण हो जाएगा, जो है बंसी समुद्र से दीर्घ उत्कंठ होती, जब वो बंसी की आवाज को उस बांस के छिद्रों से सुनेंगे तो उनकी उत्कंठा बढ़ जाएगी और उन्हें सभी गोपियों का याद आ जाएगा और हो सकता है वो दौड़े दौड़े हमारे पास चले आए। आगे फिर कहती है, लाके भूले कमल दल को श्याम के सामने ही, थोड़ा थोड़ा विपुल जल में व्यग्र हो डुबाना, यो देना अय भगनी जतला एक अंबोज नेत्रा, आंखों को हो विरा विरा वार में बोलती। पवनदूती कहती है, अगर ये भी आपसे काम ना हो सके तो दूसरा देख लीजिए। लाके फूले कमल दल को, कोई खिला हुआ कमल का पुष्प तो श्याम के सामने ही, उसे श्याम कन्हैया बांके बिहारी मुरली मनोहर वसुंधर नंदलाल श्री कृष्ण के सामने ले आना, वहां पर जल हो तो थोड़ा थोड़ा विपुल जल हो, तो उस कमल के पुष्प को, उस कमल को उस जल में थोड़ा थोड़ा करके डुबाइए, व्यग्रता पूर्वक डुबाइए उसको, धीरे धीरे डुबाना निकालना, डुबाना निकालना, ऐसी प्रक्रिया करना, यो देना है भगन चंदा, इस प्रकार हे बहन इस बात को बता देना कि एक अंबोज नेत्रा, एक कमल के समान नेत्र वाली नायिका, आंखों को हो विरह विरह, आपके विरह में व्याकुल हो करके उस कम मद रूपी नेत्र को आंसुओं के जल में बोलती है, डुबा रही है, अर्थात उसके कमलवल नेत्र में आंसू भरे हुए हैं, आपके वियोग में व्यथित है। इस तरह से ए पवनदूती, तू इस बात को बता देना कि एक कमल नेत्र वाली नायिका अपने नेत्रों में आंसू भरे हुए आपके विरह में व्यथित है। आगे धीरे लाना वहन करके नीम का पुष्प कोई, और प्यारे के चपल दृक के सामने डाल देना, ऐसे देना प्रकट दिखला नृत आशंकिता हो, कैसी होती विरह बस में नृत रोमांचिता। अगर ये भी कार्य तुमसे ना हो सके तो दूसरी बात बताती हूँ, उसे सुनो।
राधा कहती है धीरे लाना वहन करके नीम का पुष्प कि ये कौन दूती कहीं से कोई नीम का पुष्प, नीम माने कदम होता है, कोई कदम का पुष्प उड़ा करके ले आना और प्यारे के चपल दृप के सामने और प्यारे कृष्ण के उस चंचल नेत्र के सामने उसे डाल देना रख देना और प्यारे के चपल दृप के सामने डाल देना प्यारे श्री कृष्ण बाके प्यारे मुरले मनोहर मसूदन नंदलाल के आंखों के सामने उसे ला करके डाल देना ऐसे देना प्रकट दिखला नित्य आसन दिखला और इस तरह से प्रकट कर देना दिखला देना नित्य आसंगता हो नित्य प्रति सशंकित होती हुई कैसी होती विरह बस में निकल रोमांचना कि मैं आपकी नायिका विरह के वशीभूत होकर के रोज कैसे रोमांचित हुआ करती है जिस तरह से ये नीम का पुष्प है इसी तरह से आपकी नायिका आपके लिए नित्य प्रति रोज उत्कंठित हुआ करती है मिलने के लिए उत्सुक हुआ करती है हो सकता है इस पर भी मुझे मेरी याद आ जाए और मथुरा से गोकुल चले आए आगे बैठे नीचे इस बिटप के श्याम भूमि उसी का कोई पत्ता निकल उसके उनके नेत्र के ले हिलाना यूं प्यारे को विदित करना चातुरी से दिखाना मेरी चिंता विजित चिंता क्लान होगा आगे फिर कहती है बैठे नीचे जिस पिटप के श्याम एक कौन दूती अगर एक भी काम नहीं हो सकता तुमसे एक उपाय बताती हूँ यदि श्री कृष्ण किसी पेड़ के नीचे बैठे हो यदि श्री कृष्ण किसी पेड़ के नीचे बैठे हो तो उसी पेड़ का कोई पत्ता निकल उनके उसी पेड़ का कोई पत्ता उनके सामने उनके पास नेत्र के सामने ला करके उसे हिलाना उसी पेड़ का कोई पत्ता उनके निकट नेत्रों के सामने ला करके हिलाना यूं प्यारे को विदित करना इस तरह से प्यारे श्री कृष्ण को बता देना चातुरी से दिखा देना अपनी चतुरता से दिखा देना मेरी चिंता विचित का क्लांत होगा प्यारे जिससे उस पत्ते को देखने के बाद उन्हें मेरी भी चिंता हो जाए और मेरी चिंता मेरा याद आ जाए मेरे लिए चिंतित हो जाए और चिंता से उनका हृदय कांपने लगे वो दुखी हो जाए और दौड़े दौड़े मेरे पास चले आगे सूखी जाती मलिन लतिका जो धरा में पड़ी हो तो पांवों के निकट उसको श्याम के ला गिराना यो धीरे से प्रकट करना प्रीत से वंचिता हो मेरा होना अति मलिन और सूख दे फिर राधा कहती है कि कौन दूती अगर तुमसे ये भी काम नहीं होता तो उपाय बताती हूँ सूखी जाती मलिन लतिका सूखी हुई कोई लतिका माने लता लतादार तमाम पेड़ होते हैं सूखी जाती मलिन लतिका यदि सूखने के कगार पे पहुंची हुई कोई कुमलाई हुई लता जो धरा में पड़ी हो जो धरती पर कहीं पड़ी मिल जाए तो उसे उड़ा करके ले आ तो पाँव के नीचे उसको श्याम के ला गिरा तो उसे उड़ा करके श्री कृष्ण के पाँव के पास ला करके गिरा देना यो सीधे से प्रकट करना और इस तरह से बड़ी सीधी साधी स्थिति में इस बात को बता दे कि प्रीत से वंचिता हो कि आपसे के प्रेम से वंचित होकर के अलग होकर के दूर होकर के आपकी नायिका मेरा होना अतिमलिन और सूखते जाना जिस तरह से ये लता कुमला गई है और सूखने के कगार पे है उसी तरह से आपकी नायिका आपके लिए बहुत दुखी है और निरंतर वह नित्य सूखती चली जा रही है हो सकता है इस पर भी उन्हें मेरी याद आ जाए और दौड़े दौड़े मेरे पास चले कोई पत्ता नवंतर का पीक जो हो रहा हो तो प्यारे के दिग्वल के सामने ला उसे धीरे धीरे समझ रखना और उन्हें यह बताना पीला होना प्रबल दुख से रोषिता सामना फिर राधा कहती है अगर तुमसे यह भी बात नहीं होती है तो दूसरी बात बताती हूँ कोई पत्ता नवंतर का पीला जो हो रहा
यदि किसी छोटे वृक्ष का बच्चा छोटे वृक्ष का कोई भी पत्ता पीला हो रहा हो, पीलीमा धारण कर लिया हो, तो उस पत्ते को लाना, तो प्यारे के दिल के सामने ला उसे, तो प्यारे श्री कृष्ण के दोनों आंखों के सामने उसे ला करके धीरे धीरे संभल रखना, धीरे धीरे संभाल करके उनके आंखों के सामने रख देना और उन्हें यह बताना और उन्हें इस तरह से बता देना कि पीला होना प्रबल दुख, कि पीला होना सबसे बड़ा दुख है और यही पीलापन क्रोशा माता, यही पीलापन आपकी क्रोशित नायिका जो आपसे बिछुड़ गई है उसकी भी यही स्थिति है, इसी पत्ते की तरह वो भी पीली होती चली जा रही है। अगला, यों प्यारे को हित करके सर मेरी व्यथाएं धीरे धीरे वहन करके पाँव की धूल लाना, थोड़ी सी भी चमर जो नाला देगी हमें तू, हाँ कैसे तो व्यथित को मैं गोद ले सकूं। आगे कहती है, यों प्यारे को हित करके, अगर तुमसे कुछ नहीं होती होती है तो इतना जरूर कह देना, यों प्यारे को हित करके सर मेरी व्यथाएं, इस प्रकार प्यारे श्री कृष्ण को मेरी समस्त कष्टों को बता करके धीरे धीरे वहन करके धीरे धीरे उड़ा करके कुछ भी नहीं कर पाना तो उनके पाँव की धूल लेते आना, इस तरह से मेरी समस्त कथाओं को बता करके धीरे धीरे उड़ा करके उनके चरण की धूल ले आना, थोड़ी सी भी चरण रज्जो ना ला देगी हमें, यदि उनके चरण का थोड़ा भी धूल अगर तू हमारे लिए नहीं लाएगी, हाँ कैसे तो निश्चित को गोद मैं दे सकूंगी, तो मैं अपने इस व्यथित हृदय को कैसे सांत्वना दे सकूंगी। पूरी होए ना यदि तुमसे अन्न बातें हमारी तो तू मेरी विनय इतनी मान ले और चले जा। फिर राधिका कहते हैं अंत में कि यदि तुमसे मेरी जितनी बातें मैंने कहा नहीं पूरी होती हैं तो मेरी बात मान ले और तू यहां से चली जा, तू मेरी विनती इतनी मान ले और यहां से चली जा, कहा छू के प्यारे कमल पक्को प्यार के साथ है और चली जा, प्यारे श्री कृष्ण के कमल चरण को बड़े प्रेम से छू करके मेरे पास तू आ जा, जब तू मेरे पास आ जाएगी तो जी जाऊंगी हृदय तल में मैं तुझी को लगा के, तो मैं तुझे अपने हृदय से लगा करके जी जाऊंगी, अर्थात मैं तुझे अपने हृदय से लगा करके ये समझ लूंगी कि मैं अपने प्रीतम को अपने हृदय से लगा रही हूं। अब देख लीजिए का सौंदर्य पूरे पाठ का, मंदा क्रांता छंद है, वियोग श्रृंगार रस है, अनुप्रास और मानवीकरण अलंकार, सब शक्ति लक्षणा है, माधुर्य गुण है। धन्यवाद।